जो परसों जो खींचल के अंदर ही जो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जो मामला हुआ नारायण जी का और जो बीजेपी से जो प्रत्याशी थे उनको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, एक्चुअली क्या जो बीजेपी से जो प्रत्याशी थे और लोग उनको मिले थे और वो तो आपको पता है कि सीमेंट कंपनियों के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ रहा राजस्थान के अंदर, तो बीजेपी तो सरकार ही है, फिर मामला होने की जरूरत कहाँ है? बीजेपी प्रत्याशी चाहते सीएम के पास जाके और हाथों घोषणा करवा देते, उनको सड़क पाने की जरूरत थोड़ी, वो तो सिर्फ इसलिए आना कि हम प्रोपोगंडा कैसे करें। नारायण ने पूरी बात को ढंग से रखा था और ये पिछली बार भी जब यहाँ आए थे तब नारायण वहां एमएलए था तब भी गया, अपने आपत्ति दर्ज कराई। मैं किसानों से हमेशा अपील करता हूँ कि जमीन अपनी नहीं दें, जमीन ही सब कुछ है। अगर माणकपुर इस इलाके में जमीन नहीं देता लोगों की बहुत स्थिति अच्छी होती, और ये जो बीजेपी का प्रत्याशी हमारे यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग लेके गया, आपको तो पता है सारी कहने की क्या आवश्यकता, पहले आरएलपी के प्रधान का इस्तीफा देता बिल्कुल फिर जाता तो मैं मानता, अभी तो आरएलपी का ही प्रधान बोल रहा कागज में, तो मुझे तो इस्तीफा ही नहीं भेजा बस, और आगे थोड़ी ठीक है, मेरा बड़ा मन है।